जनाब, ये 2014 मॉडल जो उज़ैर भाई के पास हुआ करती थी, अब अली भाई के पास है। ये इसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ये मॉडिफिकेशन की है, ये इसकी हेडलाइट्स, बैक लाइट्स चेक करें। ये इसका फुटरेस्ट, और ये लेमिनेट करा ली है इसको साफ करके। टैंकी गद्दी बिल्कुल न्यू है, ये भी नहीं है, ये लेमिनेट हुई हुई है। और बाकी ये इंजन का काम सारा नया किया कराया हुआ है, A to Z। और इंजन के काम पे तकरीबन इनका 12 से 13 हज़ार रुपया लगा है। रिम नए डलवाए हैं, टायर ट्यूब नए डलवाए हैं, सब कुछ नया है। और ये चेक करें जी जनाब, ये इसके साइड मिरर, और ये स्पीडोमीटर चेक करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसको। हाँ, ये पिछले जो हैं टायर ट्यूब हब सब नए हैं, अगले भी टायर ट्यूब हब वगैरह सारे न्यू डलवाए हुए हैं। लाइट्स की जहाँ तक, ये मीटर आ गया। फिर लाइट्स की बात करें तो जनाब, ये लाइट्स भी नई है, और ये जो है इमरजेंसी के लिए, अगर बहुत ज़्यादा हाई लाइट, हाई बीम लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो। तो ओवरऑल जनाब, बाइक बड़ी मज़े की हो गई है, मुझे बड़ी पसंद आई है। ये देखें, ये मॉडिफिकेशन पे टोटल और इंजन के काम पे ऑल्ट्रेशन वगैरह जो भी मॉडिफिकेशन कराई है, इनका कोई 31 हज़ार रुपया लग गया है ये सारी चीज़ें ओके कराने में। यानी नए टायर ट्यूब, रिम, इंजन, और ये लाइट्स वगैरह, ये साइड मिरर वगैरह, ये इसकी, ये सारी चीज़ों पे ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ लग चुका है। लेकिन बाइक बहुत बेहतरीन हो गई है, मुझे बड़ी पर्सनली बड़ी अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है। ये अब चलने में भी कैसी है वो भी ट्राई करेंगे, और उसका भी आपको मैं रिव्यू दूंगा और वीडियो सेंड कर दूंगा आपको।